natural environment. बेटा ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट लिखा है ये एनवायरनमेंट सबसे बना है, है ना? तो ये एनवायरनमेंट फिर किससे बना है ये आपको समझ आना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है पड़ोस, पड़ोस का मतलब हमारे आसपास, वो सराउंडिंग में कोई भी व्यक्ति जहाँ भी है उसके सराउंडिंग्स में जितने जैविक अजैविक तत्वों का जो योग है वो उसका पर्यावरण बनाता है और वो उसका एनवायरनमेंट बनाकर वहाँ की यथा स्थिति को स्पष्ट करता है कि आप किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहे हैं। और पर्यावरण का मतलब संकीर्ण नहीं है, बहुत व्यापक है। इसका माइनर मीनिंग अलग है, मेजर मीनिंग अलग है। और आपके संदर्भ में एनवायरनमेंट स्कूल का भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के संदर्भ में एनवायरनमेंट स्कूल का भी होता है, आपके घर का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है, आपके डॉर्मेटरी का भी होता है, है ना? और आप जहाँ भी रहते हैं वो आपका पर्यावरण कहलाएगा। आसपास से क्या मतलब बेटा? चारों तरफ। चारों तरफ। अब चारों तरफ जैविक अजैविक वस्तुओं का जो योग है वो मैंने पर्यावरण बताया। तो अब आपका ये रूम एक पर्यावरण का काम कर रहा है। इसमें आपके जैविक क्या है, जितने सारे आपको कर्टेन लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, टेबल है, कुर्सी है, है ना, डेस्कटॉप है, सब कुछ आपके साथ क्या है, अजैविक है। और जैविक फॉर्म में देखेंगे तो कौन है? हम लोग हैं। और कुछ इनविजिबल बैक्टीरिया वायरस भी है जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो भी तो हमारे पर्यावरण को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी पर्यावरण को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बच्चों के मतलब की है कि इसी पर्यावरण को समझने के लिए जब एक कोई बच्चा रवि होता है और रवि अपने स्कूल जाता है और आता है, कई दिनों से आ जा रहा था, बहुत खुश था क्योंकि उसे खेलने को मिल रहा था, पढ़ने को मिल रहा था और बढ़िया एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन देखा उसने कि वो जिस मैदान में खेलता था उस मैदान में खुदाई हो रही है जेसीबी मशीन से। तो अब आप ही लोग बताइए कि जिस मैदान में आप खेल रहे हो, माने कि नवोदय विद्यालय में आप खेल रहे हैं और उसी विद्यालय में आपकी कोई बिल्डिंग बनाई जाने लगे, तो वो देखकर आप लोग खुश होंगे या नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे? क्योंकि आपका हित प्रभावित हो रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है।